हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। भाई साहब नहीं है क्या घर पे? नहीं, वो कहीं गए हैं। अच्छा चलिए, आपने उठा लिया। एक सलाह लेनी थी भाभी जी बताइए। कि जैसे हमें अपने लड़के की शादी कर रहे हैं ना, हाँ तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, मतलब हम एट होम करें कि फलदान कर लें। इसमें समझ में आने वाली क्या बात? नहीं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं आप? मतलब यही नहीं समझ पा रहे हैं कि एट होम में ज़्यादा व्यवहार आता है कि फलदान में ज़्यादा आता है। दरअसल शादी में तो सब लोग आएंगे ही और उधर ही उधर खा के निकल जाएंगे, तो हमने जो लाखों का व्यवहार बांटा है ये हम कब वसूलेंगे? तो एक सलाह दीजिए, मतलब पहले फलदान कहें तो आप फलदान कर लें, क्योंकि हम लोग ठाकुर आदमी हैं तो जनेऊ करके फलदान कर दें, या कहिए सोना चांदी अगर ज़्यादा मिलता हो तो एट होम करें, किसी बहू बिटिया को बिठा लें साथ में। मेरे हिसाब से तो आपको एट होम करना चाहिए अच्छा, भाई, उसमें आपको व्यवहार ज्यादा अच्छा मिलेगा। हाँ, इसीलिए देखिए हमने आपसे सलाह ली। हमको पता था कि आप लोग हमसे भी ज़्यादा लालची हो, मतलब हमसे भी ज़्यादा समझदार हो, तो क्या करें, कार्ड में मीनू छपवा दें। समझ में नहीं आ रहा कि क्या 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 और कैसे करें। नहीं तो किस तरह का आप मेन्यू छपवाना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मतलब कार्ड में सीधे सीधे छपवा दें कि 1100 रुपये लेके या दे के उसमें सूखी दो सब्जी रहेंगी, भिंडी और कद्दू की, एक रसेदार सब्जी रहेगी घुइया की, छोला पापड़ और तवा की रोटी, अच्छा। और 2100 में 3 सूखी सब्जी रहेंगी, और उसमें भी छोला और चावल की जगह पुलाव करा देंगे, और तवा की रोटी की जगह मतलब तंदूरी की रोटी हो जाएगी। हाँ। और एक हम सोच रहे हैं कि 11,000 का करा दें, उसमें 5 तरह की सब्जी प्लस आइसक्रीम प्लस रसगुल्ला, मिस्सी, नान, तंदूरी, और 2-3 तरह की रसेदार अनीर पनीर, सब मतलब उसमें पेल के आइटम हम सोच रहे हैं हाँ रख दें। तो आदमी तुरंत अगर मीनू कार्ड अगर पढ़ लेगा तो फिर हो सकता है 11,000 वाले में जाए। वैसे हमारी समझ से आप 3 तरह का रख रहे हैं ना, तरह की जगह आप 4 तरह का, 5100 वाला भी रखिए। अच्छा, हाँ, 1100, 2100, 5100 और 11000। हाँ तो 5100 में मतलब कुछ वैरायटी कम कर देंगे। बिल्कुल सही। हाँ 2100 से बढ़ा के और 11,000 से घटा के, कुछ मतलब मध्यम श्रेणी के लोग भी आएंगे। वही तो। हाँ, यही देखिए इसी सलाह के लिए हमने आपको फ़ोन किया भाई साहब होते तो और अच्छा बतलाते। चलिए भाई साहब। अगर आ जाएं तो फिर हमको बताइएगा, तो फिर हम कार्ड छपवाएंगे, हाँ, फिर उसके बाद कहीं शादी तय करेंगे। और 500 वालों के लिए आपने क्या किया है? 500 वालों के लिए नहीं, अब 800-500 वाला काम खत्म हो गया भाभी जी। 500 की शादियां अब इधर नहीं होती, उधर होती हैं राजस्थान की तरफ। तो 500 वालों के लिए कोई व्यवहार ही नहीं है आपके? नहीं, 500 वाले अपना दूर से देखें, लाइव चलवा देंगे। अच्छा। अब 500 में भाभी जी ये बताइए क्या होता है, कहीं भी 1,000-1,500 से कम की प्लेट तो नहीं है। और ये 500 वाले होते हैं ना मैं परिवार के आते हैं, 11,000 वाला तो सिंगल आ जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पत्नी को ले आया, और ये 500 वाले चार पांच, चार चार या छः छः लोग आते हैं, है ना, तो पूरा माहौल ही खराब करते हैं। और फिर वही सब बुराई भलाई बताते हैं कि स्वाद अच्छा नहीं था, सब्जी अच्छी नहीं थी, अब उनको स्वाद अच्छा कैसे लगे? 500 में मौज ले रहे हैं, फ्री का फिनाइल पी रहे हैं। तो फिर हम लोगों का क्या होगा, 500 वालों का? भाई, तो क्या भाभी जी आप भी मतलब 500 ही देंगी? हमारा तो अभी 500 व्यवहार चल रहा है। क्यों, हम तो आपके लड़के में 2100 दे आए थे, ये तो कोई बात नहीं हुई। आपने 2100 दिया था?
हाँ देखिए डायरी निकलवाइए, बैठाले तो थी आप चार चार लोगों को लिखवाने के लिए। तो फिर मिस्टेक हो गई है, मेरे दिमाग में तो यही था 500 करके गए। नहीं, देखिए भाभी जी साफ बात अच्छी होती है, हम आपको 5100 वाले में डालेंगे। 2100 तो हम दे के ही आए हैं 3 साल पहले, अगर हमने ब्याज पे उठाया होता तो 5100 हो जाते। नहीं चलिए, हाँ अच्छा और ठीक है, अब हम फिर से डायरी देखेंगे। 2100 अगर आप कर गए अभी, फिर तो हमें 2100 करना ही हाँ पड़ेगा करना आगे ही क्या से। पड़ेगा, मतलब 2100 ही करना पड़ेगा, मतलब नहीं समझे, 2100 लेके 2100, 3 साल अपने पैसा भी इस्तेमाल किया भाभी जी। चलिए से बात करें हाँ भाई साहब। इसे बात कर लीजिएगा, हाँ नहीं तो सीधा है। और सुनिए अगर खाली 2100 ही देना है तो फिर लिफाफा भेज दीजिएगा भाई साहब कि हमको दिखाई ना पड़ जाए, नहीं फिर हम अच्छी बात नहीं रहेगी, फिर हम सबको बताएंगे घूम घूम कर। ये तो आप बहुत गलत बात कर रहे हैं, आप अरे बातचीत कैसी कर रहे हैं। हम साफ बात कर रहे हैं, भाभी जी भाई साहब ने ही हमको कहा था कि साफ बात करनी चाहिए जीवन में। ये साफ बात कर रहे हैं कि आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, उनको महसूस नहीं होगा, उनको ये सब चीज़ें महसूस नहीं होती, बेइज्जती एज्जती क्या होती है वो नहीं जानते। आप टेंशन ना लें भाभी जी, भाई साहब तो आए। मेरी बात करा दीजिएगा। ठीक, हम उनसे हाँ बात करा देंगे आप। हाँ नहीं फिर तो हम वसूल ही लेंगे, सीधे देंगे सीधे, नहीं तो फिर टेढ़े। अरे ये तो आप बड़ी जबरदस्ती वाली बात कर अरे रहे हैं। भाभी जी आप काटिए, आप क्यों गुस्सा रही हैं, जब लिया था उनने तब तो हमसे कह रहे थे 10-10 की गड्डी देना, और जब हमारा नंबर आया तो आप डायरी चेक करेंगी, हमारा खून चेक करेंगी, हमारा डीएनए, ऐसे पैसा दिया जाता है क्या? और क्या, व्यवहार तो व्यवहार के बदले दिया ही जाता। हाँ तो व्यवहार व्यवहार ही तो मांग रहे हैं, कोई हम उधार नहीं मांग रहे, 3 साल पहले दे गए थे 2020 में, अब 2023 में। कहते कि आप ब्याज सहित वसूलेंगे तो हम आपसे व्यवहार ही ना लेते। अरे ब्याज सहित का मामला होता तो भाभी जी तो हम हर महीने ब्याज लेते, हमने तो खुशी मन से दिया था, हमें नहीं पता था आप लोग इतना जिक जिक करोगे हमारे लड़के के समय में। चलिए अच्छा आप काटिए। ठीक है भाई साहब आ जाएं तो उनसे हमारी नमस्ते बोल दीजिएगा और मेरी बात जरूर करा दीजिएगा। ठीक है, ए नहीं तो पता नहीं क्या है।